दोस्तों फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की प्राइस रेंज आपको बहुत सारे स्मार्ट टीवी ऑप्शंस ऑफर करती है बट आपको इस प्राइस पॉइंट पे केवल वही स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए जिसमें आपको वे पैनल डिस्प्ले कम से कम फोर हंड्रेड की पीक ब्राइटनेस एच विजन एंड डॉग बट साउंड कन्फिग्रेशन का सपोर्ट मिले साथ ही यू हैव टू मेक श्योर दैट एक बड़े वेल नोन ब्रांड का स्मार्ट टीवी आप खरीदे दोस्तों नथिंग तो टू वरी अबाउट इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखे सैमसंग एल जी सोनी वन प्लस जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी इस लिस्ट में मैंने इंक्लूड करे हैं इन दिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइव बेस्ट स्मार्ट टीवी जो कि आपको फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की रेंज में बेस्ट वैल्यू ऑफर करते हैं इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टार्टिंग अवर लिस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी दोस्तों लिस्ट में नंबर पे आता है फोर के स्मार्ट टीवी इस टीवी को लेने के बाद आपको साउंड बार या फिर होम थिएटर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हाइसेंस का ये फिफ्टी फाइव इंच का फोर के स्मार्ट टीवी आपको बॉटम माउंटेड जेबीएल की इनपुट साउंड बार ऑफर करता है जिसका ऑडियो आउटपुट वन हंड्रेड टू वॉट है रियली लाउड साथ ही डॉल एटम साउंड कन्फिग्रेशन भी आपको मिल जाता है हाइसेंस का ये फोर के स्मार्ट टीवी पैनल डिस्प्ले के साथ में आता है डिस्प्ले में आपको फोर हंड्रेड की पीक ब्राइटनेस मिलेगी तीन एच डी एम आई एंड दो यू एस बी पोर्ट्स अवेलेबल है एंड्रॉइड नाइन पॉइंट के साथ में आने वाला टीवी की रैम एंड स्टोरेज आपको ऑफर करता है दोस्तों टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी है पीक ब्राइटनेस लेवल भी अच्छा है इन बिल्ड साउंड कन्फिग्रेशन भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है केवल एक ही कमी है और वो है ब्रांड नेम अगर आप एक स्मार्ट टीवी में पचास हजार रूपए इन्वेस्ट करने वाले हो दे मुझे भी पता है एक बड़े ब्रांड का स्मार्ट टीवी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और सही भी है दोस्तों लिस्ट के अपकमिंग टीवी वन प्लस एल जी सोनी जैसे ब्रांड्स की तरफ से आते हैं बट इन टर्मस डिस्प्प्ले क्वालिटी का यह टीवी उन बिग ब्रांड स्मार्ट टीवी से कम्पीट कर लेता है इसी वजह से ये टीवी, लिस्ट में भी इंक्लूडेड है अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड टीवी चाहिए जिसमें आपको ब्रांड नेम से मतलब नहीं है स्मार्ट टीवी जिसको खरीदने के बाद आपको साउंड सिस्टम भी ना खरीदना पड़े देन हाईसेंस का ये टीवी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके एमेजोन से कुछ भी खरीदते हो ना देन आपकी प्राइस को बिना चेंज करे चैनल की काफी हेल्प हो जाएगी और हाँ दोस्तों ये आपको में मिल जाएगी। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके इनमें से कोई सभी स्मार्ट टीवी आप सबसे कम दामों में अपना बना सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही शानदार एंड इजी टू ऑपरेट टीवी है ये फिफ्टी फाइव इंच का ऑफर करता है इट्स पैनल डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी उटपुट में अवेलेबल है लेटेस्ट्रॉइडाइड टीवी आपको टू जीबी की रैम एंड जीबी स्टोरेज ऑफर करता है काफी स्लिम एंड स्टाइलिश लुकिंग टीवी साथ ही आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसका ओ एस इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो ड

ब्रांड्स होते हैं उनके टीवी के डिस्प्ले पैनल्स पाँच ऐसी सात साल की ड्यूरेशन के आसपास काफी डल पड़ जाते हैं यानी मिड रेंज ब्रांड स्मार्ट टीवी के डिस्प्ले पैनल विद टाइम खराब हो जाते हैं बट वही अगर हम बात करें सोनी एल जी जैसे ब्रांड्स की इन टीवी ब्रांड्स के डिस्प्ले पैनल सालों साल चलते हैं ये इतने महंगे आते हैं सो अगर आप टीवी इस सोच ऐसी खरीद रहे हो की आपको टीवी लगभग पंद्रह बीस साल चलाना है देन आपको सोनी एल जी जैसे बड़े ब्रांड्स का स्मार्ट टीवी खरीदना चाहिए जिनके डिस्प्ले पैनल्स पैनल टाइम डल नहीं होते बात करें सोनी की तरफ से आने वाले इस 43 इंच के टीवी की तो ये लेटेस्ट नवंबर है के से इनफ है थर्टी वॉट का साउंड आउटपुट आपको मिलेगा स्पीकर सपोर्ट डॉब बी ऑडियो कन्फिग्रेशन बट वही बात है होम थियर या साउंड टीवी के साथ में आपको खरीदने पड़ेंगे बेटर साउंड एक्सपीरियंस दो जीबी की रैम एंड सिक्सटीन जीबी स्टोरेज आपको मिलती है देखो दोस्तों सोनी टीवी इन टीवी मार्केट एक बहुत ही पुराना एंड वेल स्टेब्लिड ब्रांड है डिस्प्ले क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा एंड सोनी ब्रांड के स्मार्ट टीवी फ्यूचर प्रूफ तो होते हैं बट साथ ही दे आर ऑन एक्सपेंसिव साइट सोनी ब्रेविया के स्मार्ट टीवी आपको एक्सैक्टली फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का मिलेगा दोस्तों इन दो अपकमिंग स्मार्ट टीवी में से आप कोई भी स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं इन अपकमिंग दो स्मार्ट टीवी में कोई भी अंतर नहीं है अकॉर्डिंग टू यूर ब्रांड प्रेफरेंस अपकमिंग स्मार्ट टीवी में से आप कोई भी टीवी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एट नंबर वी स्मार्ट फिफ्टी फाइव इंच का, का साउंड आउटपुट आपको मिलेगा दो एच ओडीएंड एक यूएस बी पोर्ट अवेबल है एल जी के एस, स्मार्ट टीवी में आपको एंड्रॉइड नहीं मिलता आपको एट जी बी की स्टोरेज मिलेगी यार इतना महंगा टीवी होने के बाद भी स्टोरेज आपको इस टीवी में काफी कम मिलती है बट पिक्चर क्वालिटी अप टू द मार्क है सो अगर आपको एक एल जी ब्रांड का फिफ्टी फाइव इंचेज का फोर के स्मार्ट टीवी चाहिए फ्रेंड्स एट नंबर वी हैव सैमसंग क्रिस्टल प्रो सीरीज स्मार्ट टीवी फिफ्टी फाइव इंचेस का फोर के डिस्प्ले ये टीवी आपको ऑफर करता है का आपको साउंड आउटपुट मिलेगा तीन एच डी एम आई एंड एक पोर्ट अवेलेबल है सैमसंग का ये टीवी भी एंड्रॉइड के साथ में नहीं आता दिस टीवी इट्स ओन ओ एस जो की थोड़े पुराने टाइप का लगता है बट काफी ऑप्टीमाइज ओ एस है ये स्टोरेज आपको यहाँ भी कम मिलती है वन पॉइंट फाइव जीबी की रैम एंड केवल एट जीबी की स्टोरेज अवेलेबल है जैसा की मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस एल जी एंड सैमसंग टीवी आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल दोनों की पिक्चर

चलाना है देन आप लिस्ट के थ्री टीवीज में से कोई भी टीवी खरीद सकते हैं ऑल ऑफ दीज आर इट दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में